नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंजाब केसरी में और मैं हूं आपके साथ जिब्रान जरार खान। आइए नजर डालते हैं आज की दिन की 50 बड़ी खबरों पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 59वां जन्मदिन, अपना जन्मदिन गुजरात में मना रहे हैं मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन पर नर्मदा की पूजा अर्चना और कहा कि नर्मदा का पानी पारस है जो मिट्टी को सोना बना देता है। पीएम मोदी की पत्नी जसोदा बेन ने पति के लिए मंगल कामना की, पुरोहितों को दिए 101 रुपए की दक्षिणा। अमित शाह के बयान पर बीजेपी में ही उठने लगी आवाजें, येदुरप्पा बोले भाषाएं सभी समान है। बंगाल में भी नेताओं की बड़ी मुसीबतें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरेंगे, साथ ही 28 सितंबर को नेवी की नई परियोजनाओं को लॉन्च करेंगे। राजस्थान में बसपा के विधायक तोड़ने पर भड़की मायावती, बोली कि कांग्रेस गैर भरोसेमंद और धोखेबाज पार्टी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट का नोटिस, चुनाव याचिका पर कोर्ट ने दिए निर्देश। चंद्रयान 2 विक्रम लैंडर को लेकर आ जा सकता है सबसे बड़ा अपडेट, नासा लेगा तस्वीरें। यूपी में इटावा जिले के भरथना से भाजपा विधायक सावित्री कटियारी को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी। बागपत में महिला कांस्टेबल को गोली मारकर छीनी स्कूटी, डिग्गी में रखे हुए थे 2 लाख रुपए। बहुजन समाज पार्टी के मथुरा के जिला अध्यक्ष पर नाबालिग को अगवा और यौन शोषण करने का लगा आरोप, मुकदमा हुआ दर्ज। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अलर्ट, जैश ए मोहम्मद ने रेलवे पर बम विस्फोट करने की दी धमकी। बिना हेलमेट के बाइक चलाने वाले 43,600 लोगों की एक साल में हादसे में हुई मौत। नोएडा पुलिस का अनोखा कारनामा, सीट बेल्ट ना लगाने पर काटा बाइक का चालान। दिल्ली में बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक व्यापारी को गोली मारकर की हत्या, वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश हुए फरार। पंजाब में आवारा पशुओं की समस्याओं पर काबू पाने के लिए होगा उप समिति का गठन। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की पीड़िता से गैंगरेप, महिला आयोग ने जांच के लिए बनाई समिति, 4 लोग हुए गिरफ्तार। भोपाल में संत समागम कार्यक्रम होगा, इस कार्यक्रम में देश भर से साधु संत जुटेंगे, कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ भी मौजूद होंगे। ट्रायल के दौरान हुआ हादसा, डीआरडीओ का मानव रहित यान तपस 04 चित्रदुर्ग जिले के खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सेना में भर्ती के लिए घाटी में चलेगा विशेष अभियान, 3,000 से ज्यादा युवकों की होगी भर्ती। मॉब लिंचिंग का शिकार हुए तबरेज अंसारी की पत्नी बोली कि आरोपियों को फांसी नहीं मिली तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मध्य प्रदेश में बारिश ने मचाई तबाही, अब तक 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान। इसराइल में आम चुनावों के लिए आज मतदान, नेतन्याहू जीते तो रिकॉर्ड 5वीं बार बनेंगे प्रधानमंत्री। कार खरीद कर पैसे नहीं चुकाए, पाकिस्तानी रेल मंत्री शेख रशीद की फजीहत करने पहुंचा संसद में एक युवक। मलेशिया के पीएम मताहिर मोहम्मद ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जाकिर नायक के प्रत्यर्पण के लिए उनसे नहीं कहा। पीएम मोदी के बर्थडे पर पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने किया शर्मनाक ट्वीट, खुद पाकिस्तानियों ने ही मंत्री की फजीहत। अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता के लिए चीन ने उत्तर कोरिया का किया स्वागत। सऊदी अरब के 2 संयंत्रों पर हुए ड्रोन हमले के बाद सोमवार को तेल की कीमतों में 10% से अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई। रानू मंडल के दूसरे गाने आदत ने रिलीज होने से पहले ही तोड़े सारे रिकॉर्ड, चंद घंटों में मिले 90,000 लाइक्स। अक्षय कुमार, मधुर भंडारकर, कंगना रनौत और करण जौहर समेत कई बॉलीवुड सितारों ने दी पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। पहाड़ी इलाके में बाइक फिसलने से सिद्धार्थ मल्होत्रा का एक्सीडेंट, हाथ पैर में लगी चोट। संजय लीला भंसाली ने दिया पीएम मोदी के जन्मदिन पर बड़ा तोहफा, मोदी के ऊपर बनी मन बैरागी फिल्म का पोस्टर रिलीज। द कपिल शर्मा शो में वापसी को लेकर सुनील ग्रोवर ने तोड़ी चुप्पी, बोले मैं नहीं कर रहा हूं वापसी। बीसीसीआई ने नहीं चुकाए बकाया 9 करोड़ रुपए, तो चंडीगढ़ पुलिस ने भारतीय टीम को सुरक्षा देने से किया इनकार। भारतीय कप्तान विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, शिखर धवन, हीमा दास समेत कई बड़े खिलाड़ियों ने दी पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। पाक दौरे का बॉयकॉट करने वाले श्रीलंका प्लेयर्स पर भड़के पाकिस्तानी खिलाड़ी जावेद मियादाद, बोले ठोको जुर्माना। विराट कोहली और स्टीव स्मिथ के बीच तुलना पर बोले गांगुली, विराट आज भी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज। ऋषभ पंत को कोच रवि शास्त्री की 2 टूक, साफ शब्दों में दी प्रदर्शन सुधारने की नसीहत। भारतीय कंपनी अमूल बनी दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम की स्पॉन्सर। सुल्तान स्टाइल में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आगाज करने वाली विनेश फोगाट प्री क्वार्टर फाइनल में बाहर।
सौरभ वर्मा ने जीता वियतनाम ओपन का खिताब, चीन के सुन फेई शियांग को हराया। पंकज आडवाणी का विश्व चैंपियनशिप में दबदबा कायम, जीता 22वां विश्व खिताब। इंटरनेट की पसंदीदा भाषा बनी हिंदी, हर साल जुड़ रहे हैं 94% यूजर्स। Xiaomi लाई सबसे सस्ता 4K टीवी, कम कीमत में लेटेस्ट फीचर वाला वाटर प्यूरिफायर भी किया लॉन्च। फेसबुक ने हांगकांग की पुलिस की हिंसा विरोधी व्हाट्सएप हॉटलाइन को किया निलंबित। Zomato ने स्ट्रीमिंग सर्विस की लॉन्च, Netflix और Amazon प्राइम से होगी टक्कर। शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट, 262 अंक गिरा सेंसेक्स। सरकार का ऐलान, 6 करोड़ EPFO सदस्यों को मिलेगा 8.65% ब्याज। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मोबाइल कंपनियां भारत में निवेश बढ़ाएं। एक बार फिर सवालों के घेरे में फेसबुक, 42 करोड़ यूजर्स के फोन नंबर हुए लीक। तो ये थी आज की दिन भर की 50 बड़ी खबरें। और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ पंजाब केसरी में। धन्यवाद।